स्टूडेंट, आज हम क्लास सेकंड हिंदी में पार्ट 8 पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 46 है, ठीक है। पार्ट 8 में हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर घे वाला करेंगे, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। आज हमें रिक्त स्थान ये हैं जो फिल करने हैं। आप देखिए, फर्स्ट है अपने सामान को सही ढंग से रखने के लिए रचना को खालिस्तान ने समझाया। किसने समझाया रचना को? पापा ने, ठीक है ना, पापा ने समझाया। सेकंड आप देखिए, रचना ने जूते देखे तो खालिस्तान पड़ी, क्या पड़ी? उछल। यहाँ उछल फिल करेंगे, उछल पड़ी। नेक्स्ट आप देखिए, प्रत्येक सामान को सही तरह से तथा खालिस्तान जगह पर रखना चाहिए। इसमें क्या आएगा? निश्चित, निश्चित जगह पर हमें अपना सामान रखना चाहिए ताकि वो आसानी से मिल सके। जूते नहीं मिलने के कारण खालिस्तान परेशान थी, कौन थी? रचना। नेक्स्ट आप 5 देखिए, रचना स्कूल जाने के समय खालिस्तान ढूंढ रही थी, क्या ढूंढ रही थी रचना? जूते, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आप सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। रचना क्या ढूंढ रही थी? 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है जिसपे हमें सही का निशान लगाना है। रचना क्या ढूंढ रही थी? 1 किताबें, 2 बैग, 3 जूते, 4 टिफिन बॉक्स। क्या ढूंढ रही थी? जूते। तो नंबर 3 पे राइट का निशान लगाए, नंबर 3 जो है सही है उस पर राइट का निशान लगाया है। सेकंड है, आज रचना का कौन सा पेपर था? फिर 4 ऑप्शन है, अंग्रेजी का, हिंदी का, गणित का, विज्ञान का। किसका पेपर था रचना का? हिंदी का। ऑप्शन नंबर 2 सही है, उस पर हमने राइट का निशान लगा दिया है। 3 आप देखो, दूसरे दिन रचना ने अपना बस्ता कहाँ रखा? फिर 4 ऑप्शन है, अलमारी में, टेबल पर, दराज में या कुर्सी पर। किस में रखा? अलमारी में। ऑप्शन ए जो है, नंबर 1 है, वो राइट है, इस पर हमने टिक का निशान लगा दिया। रचना की दीदी का क्या नाम था? 4 ऑप्शन, दिव्या, स्मृति, आरती या फिर कृति। सही है कृति, हमने नंबर 4 पे राइट का निशान लगा दिया। ये आपको पढ़ना है और अपनी नोटबुक में करने हैं और इन्हें लर्न करने हैं। थैंक यू।